अरे मैडम, मैडम आप आइए, आइए अंदर आइए। Watch out, आगे ले मुंबई के असली भाई लोग। क्या असली भाई लोग जे सांगितलं ते लक्षात आलं पाहिजे, नाहीतर आतमध्ये तुला लाठीची मसाज। जे सांगले लोकांना तुम्ही देतो सिक्युरिटी, गाणं झाला की सुरू तुमचा दादागिरी। काकी वर्दी बघू नव्हतो गर्दी कमी, पत्ता गली गली आपल्या घरी घरी। मुंबई हा कुणाचा बापाचा नाही, फक्त दत्तिंग पटेल इकडे दाखवायचा नाही। काय सांगतं ती गेला तर कानपट्टी चेक, मजा एम कधी चुकत नाही, टार्गेट इज डेड। मुंबई शहर है ये, बाप कौन है जान लेते। अपनी कहानियां पढ़ न्यूज़पेपर के पन्नों पे। इकडे राजकारण करतो मुंबई पोलीस, कसं काही मदत बाई गुंडेगिरी लफडेगिरी इकडे करायचं नाही। देख शिरोडकर, मेरा डिप्टी होम मिनिस्टर होने में तेरा बहुत साथ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पर जिस तरीके से अभी जिंदगी चल रही है, लगता है मैं इसके आगे नहीं बढ़ूंगा। बोल कुछ रहे हैं, लेकिन आंखें कुछ और कह रही हैं आपकी। कुछ तो सोच के रखा है आपने। हाँ सोचा है, पर आसान नहीं होगा। हाँ, मैं अपने अखबार से गांठ तो नहीं पूछ रहा हूँ सर, पर आप रोज सुबह जेल में टट्टी जरूर देख रहे हैं। वैसे जिसने आपको वहां पहुंचाया उसे सीधा जेल ले जाने का एक सॉलिड प्लान है मेरे पास। मैं आपका असली दुश्मन भास्कर है सर, मैं थोड़ी हूँ। क्या आप अच्छे से जानते हैं, राइट? अब सुनो, कैसा है मास्टर? पहचाना? अरे भास्कर, तेरा भास्कर शेट्टी। हाँ, तुझे कैसे भूल सकता है? बोल, क्यों आया? तुम्हें तो पता होगा, वो तुम्हारा पुराना स्कूल है ना, उसके ठीक सामने एक नया स्कूल बनाया मैं, मॉडर्न, बड़ा, कंप्यूटर प्लेग्राउंड सब। पता है, तू बनाया? हाँ, और आज उसका ओपनिंग। सुपरस्टार अखिल कपूर और महाराष्ट्र का होम मिनिस्टर दोनों आ रहा है। मैं तुम्हें न्योता देने आया, खुद सीट रिजर्व किया है, वो भी फ्रंट रो। और ऐसा फ्रंट रो में ऐसा उठने का, हाँ, सबको बताने का। आखिर मेरा कामयाबी के पीछे किसका आना? मीडिया लोग टाइम पास बंद करो, चलो सुपरस्टार आया अखिल कपूर। हाँ, पूरा फोटो इंटरव्यू पूरा होना चाहिए। भाभी जी प्रणाम, थैंक यू फॉर कमिंग, बाय, कंग्रेचुलेशन ब्रदर अखिल कपूर। हाँ, अपना ये नया हाई स्कूल बेलवाड़ी, फोटो फोटो फोटो। वैष्णवी दिल्ली का होम मिनिस्टर किधर है? अब तक तो आ जाना चाहिए। फोन करके देखो, फॉर्मेशन है, आते ही होंगे। वैष्णवी? हाँ आई। हाँ बोले सर, कैसा है? नहीं मैं ठीक। हाँ वो पाटिल सर पहुंचा नहीं? उनका मेरा ओपनिंग है, सब वेट कर रहा है इधर, मीडिया, हीरो हीरोइन सब। हाँ हाँ, पर ये भी अर्जेंट था ना। चलो सीएम सर का कॉल आ रहा मेरे को, बाद में फोन करता हूँ। बोले, भास्कर से बात हुई? हाँ, थोड़ा मायूस था पर समझ गया। फोन दे, बात कर ले। सर फोन अंदर चार्जिंग पे है। ठीक है, उसे मेरी ओर से सॉरी बोलना और बोलना कि शाम को मिलने आता हूँ। सर शाम को तो कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग है। सारी मीटिंग्स एक ही दिन में प्लान कर ली क्या? एक काम करो, वो कमिश्नर की मीटिंग कल सुबह पे डाल देना। सर एक्चुअली कमिश्नर साहब कल लखनऊ के लिए निकल रहे हैं। ठीक है, भास्कर से कल सुबह बात करते हैं। राइट सर। नमस्कार। नमस्कार। बस आ, बस आ। हाँ शिरोडकर, यहाँ सब ठीक चल रहा है। पाटिल साहब अपने अंधेरी वाले घर में आज कमिश्नर साहब से मिलने वाले हैं। बाकी सारा बंदोबस्त तू कर ले और सावधानी से। हाँ वैष्णवी बोलो। हाँ भास्कर किधर है? सब कैसे सिर्फ वेट कर रहे हैं। अरे मैं वो पाटिल सर से मिलने आया। कहाँ पहुँचो सर? हाँ कमिश्नर साहब बस 5 मिनट की दूरी पर हूँ। वैसे आज सर आपके बंगलों में क्यों नहीं मिल रहे? हाँ उनका बंगलों पर गया लेकिन उधर प्रेस कंट्रोल चालू था। उनका स्टाफ से मालूम पड़ा कि वो अपना अंधेरी वाला फ्लैट में। सॉरी आज आपकी वाली विस्की हो नहीं पाएगी, मेरी वाली विस्की चलेगी ना? बस ना सर, सर अपने तो मिल के काम करने से मतलब है ना। ओके मिलते। होम मिनिस्टर नहीं आ पाए तो क्या हो गया यार? उनके पीछे पड़ने का क्या मतलब है? अरे वैष्णवी मेरे को टिप मिला है, पाटिल सर पर अटैक हो सकता है और अपना फोन भी टैप हो सकता है, इसलिए मैं फेस टू फेस मिलने हैं। अरे तू अपना घर इधर ही भूल के चला गया। अरे हाँ मेरे को मालूम, वो जल्दी में निकला ना इसलिए। सर अरे रुक रुक नाम दे रुक। सर 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 अरे चौहान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं तो घर पे मिलने वाला था पर आप आए नहीं तो मैंने सोचा तब तक सिगरेट ले लेता हूँ। आपको ये फाइल देनी थी, ये लीजिए। ये किस चीज के डॉक्यूमेंट्स? जलगांव का डैम का जो इशू चल रहा है ना उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स। इसमें 3rd नंबर का डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार आप नजर डाल लीजिए। और 1 सेकंड सर। हाँ हाँ सर भास्कर ऊपर जा रहा है। ठीक है मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ओके सर। सर तो चलिए फिर। तुम ये डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ बता रहे थे ना सर? हाँ वो अरे चल मैं देख लेता हूँ। चलो जय हिंद। सर चल भाई जय हिंद। कमिश्नर साहब कहाँ पहुंचे सर? अरे भाई बस अपने रूम के बाहर ही हूँ, अंदर ही जा रहा। किसी को पता नहीं था कि पेनड्राइव में क्या सबूत है। हर साला भास्कर पर रिस्क ऑन ले फट के हाथ में आ गई थी उनकी। वो लोग वैष्णवी से चेक करते उससे पहले भास्कर ने उन्हें चेकमेट कर दिया। जेल के बाहर भास्कर के लॉयर ने सिंपैथी ले ली और जेल के अंदर भास्कर ने चौहान और कार्यकर की गांड ले ली। मीडिया उनकी ना ले ले उस डर से चौहान को भास्कर को छोड़ना ही पड़ा। हेलो भास्कर का बेल सैंक्शन कीजिए इमीडिएटली। बोल 5 मिनट फिर से। तुम्हारे पास रुमाल है? पक्का कोई नहीं दिख रहा? नहीं नहीं। ओह तो समझता क्या आपने आपको? हाँ मैं तेरे इधर उधर भाग रही हूँ, मेरी रातों की नींद हराम हो चुकी है। अगर तुझे अपनी बीवी को किडनैप करवाना था तो उसे बता तो सकता था ना। अरे मेरे को लगा तुम समझ जाएगा। अभी कौन सा किडनैपर तुमको रोज कबाब बिरयानी खिलाएगा बोलो? देखो तुम्हारा किडनैप होने से अभी मैं बाहर आता हूँ और मेरा जो बेल का हियरिंग है वो स्मूथ हो गया है और इन लोगों का मेरे को मारने से दिमाग भी हट गया। यही चाहता था ना तुम? क्या बाहर आ तो सही। नहीं नहीं नहीं, रोने का नहीं, रोने का नहीं है, कुछ नहीं है, रोने का नहीं है बिल्कुल। नाटक के साले भास्कर। नहीं नहीं नहीं, ये क्या घड़ी घड़ी तू कैमरे पर रुमाल डाल देता भाई? यार दूसरे का बीवी को रोता देखना अच्छा लगता है क्या? अरे पन अच्छा लगता है क्या? वही बोल रहा है। गो रिंग भी। कार्यकर सर गुड मॉर्निंग। इधर। अच्छा फॉर्मेलिटी पूरा करो करो। जिसने अंदर भेजा उसी को आना पड़ा भास्कर की रिहाई के पेपर्स पे साइन करने। कार्यकर बहुत सारा क्वेश्चन होगा ना मन में, आंसर तो सुनकर जाओ। क्या सॉलिड प्लानिंग किया ना, असली गोली चलाया, नकली आदमी को फंसा देगी। सर भास्कर, सर वो सर मैं नकली गोली चलाया असलियत को सामने लाने के लिए। आपको लगा मेरा और वैष्णवी का फोन का बात आप सुना, मैं आपको सुनाया। पेन ड्राइव में है क्या? जितना बोला जाए उतना करो। देखना चाहता था कितना तेजी से आपका साब लोग उस पेन ड्राइव के पीछे पड़े। वो जिसका मन में चोर होता है ना सर, वो ऐसा फटफड़ाता है। उस पेन ड्राइव में कुछ नहीं सर, एकदम घंटा। इसका मतलब ये नहीं जो आप लोग कांड किया ना उसका सबूत मेरे पास है नहीं। मजिस्ट्रेट मेरा बिल सैंक्शन नहीं किया सर। चौहान जो कराए सब क्लियर हो गया। सेंटर हेडशॉट आपका स्पेशलिटी सर। पाटिल सर के साथ ऐसा करेगा क्यों? हैवान हो गया था, दिमाग खराब हो गया क्या तुम दोनों का? पाटिल होम मिनिस्टर है। तुम इस वक्त गटर में गोबर खा रहे हो कार्यकर। और वो जो तुम्हारा लेफ्ट टेस्टिकल है ना, टेस्टिकल समझते हो ना, वो वहां अयाशी करके एटीएस में खूब नाम कमा रहा। पाटिल को मारोगे तो मैं होम मिनिस्टर बनूंगा और पाटिल के मर्डर के इल्जाम में भास्कर जेल जाएगा। क्या टाइम आया ना सर, जो बनाया कोई कुछ नहीं सीख पाया। पूरी जिंदगी मैंने ईमानदारी से मेरा काम किया है समझो। मैंने तुझे भी मौका दिया लेकिन तूने उस मौके को हरामखोरी में बदल के सब बर्बाद कर दिया। हर इनकाउंटर की तरह अपना काम पूरा करता है सर। अब ये आधा रामी बनकर क्या फायदा? कम से कम मैं दोस्त और दुश्मन को समझ तो लेता हूँ। तू इतना मातर चूक निकला जिसने तुम्हें मुंबई में सांस लेना सिखाया है, उसी को ठोक दिया तूने। इतना गिर गया इतना। हाँ मैं जानता हूं कि मैंने दुश्मनी पर्सनली ले ली, गलती हो गई मुझसे, लेकिन आज भी यहां से नहीं जाती वो। जिस दिन तेरे गलती का एहसास तुझे होगा, तेरा रान रोना सुनने के लिए तेरे आसपास कोई नहीं होगा। ध्यान में रख। भास्कर, थैंक यू। अरे कोई बात नहीं। सुन, आपने ख्याल रखना, ये टैक्सी है तेरे लिए, मैं चलता हूँ, ठीक है? और कुछ भी हो फोन करना। बाय। भास्कर सिर्फ जेल से आजाद हुआ था, अपने कर्मों से नहीं। चलो। बाहर था कोई जो भास्कर के जिंदा रहने की दुआ कर रहा था ताकि उसे खुद मार सके। वो जिसका ख्याल रखने का वादा भास्कर ने रामा से किया था, पृथ्वी। क्या नाम रखेगा इसका? पृथ्वी। मेरा बेटा तेरे को अन्ना बुलाता है, इसका मतलब मैं तेरा बाप है। पर रामा की मौत के साथ भास्कर का वादा भी मर गया। उसने अपना हाथ पृथ्वी के सर से खींच लिया। तब मैंने पृथ्वी का हाथ थामा, मैंने पृथ्वी को पाला रामा बनकर। भास्कर उसमें चूक गया, पर मैंने ही उसे कहा था, तेरे जिंदा रहने का एक ही मकसद है, भास्कर की मौत। आपके जैसा बनेगा ना? मेरा जैसा भी नहीं पृथ्वी। अन्ना, आपने ही कहा था ना कि आप जैसा नहीं बनना, इसलिए आपको पीठ पीछे नहीं, आपको सामने से बता के मारूंगा। आपने मुझसे मेरे अप्पा को छीना है, मैं आपसे आपका सब कुछ छीनूंगा।